नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सरोकार में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी। हमारी आज की चर्चा है सुरक्षा। कहाँ राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई शहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षण संस्थानों का हब माना जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। यहाँ मौजूद चार चार मंजिला बिल्डिंगों में जगह जगह कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं। सूरत हादसे के बाद अब प्रशासनिक अमला सतर्क हुआ है। देखिए हमारे रिपोर्ट। सूरत की तक्षशिला कोचिंग में आग लगने और कई बेगुनाह मासूमों की जान जाने के बाद शासक प्रशासन की अचानक आंख खुल गई। जगह जगह कोचिंग सेंटर्स की जांच हो रही है, तो क्या हादसे का इंतजार जरूरी है? खास बात यह है, इन कोचिंग सेंटर्स में जाने के लिए स्टूडेंट्स को छोटी और बहुत सकरी सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। आपात स्थिति में इन सीढ़ियों से बच्चों का एक साथ निकलना नामुमकिन है। इन सक्रिय सीढ़ियों से दो से ज्यादा लोग एक साथ निकल ही नहीं सकते। वहीं नीचे इमरजेंसी गेट तो है, लेकिन पता नहीं वो कब से नहीं खुला। इन पर लगे तालों पर जंग लग चुकी है और गेट पर धूल की परत जम चुकी है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो सूरत जैसे हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ी बात यह है, छात्र छात्राओं की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रशासन और कोचिंग संचालक आंखें बंद किए हुए हैं। तो फिर जब तक इन संचालकों की आंखें खुले, उससे पहले अगर इस तरह का कोई हादसा हो तो आप इस तरह की बातों पर ध्यान जरूर दें। आग के दौरान सुरक्षा के उपाय। आग लगने पर लिफ्ट का उपयोग ना करें, सिर्फ सीढ़ियों का ही प्रयोग करें। धुएं से घिरे होने पर अपने नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक लें। अगर आप धुएं से भरे कमरे में फंस गए और बाहर निकलने का रास्ता ना हो तो दरवाजे को बंद कर ले और सभी दरारों और सुराखों को गीले तौलिए या चादरों से सील कर दे, जिससे धुआं अंदर ना आ सके। अपने संस्थान और ऑफिस में चेक करें कि स्मोक यानी धुआं डिटेक्टर लगा है या नहीं। निश्चित अंतराल पर इमारत में लगे फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, पानी के स्रोत, फायर सेफ्टी यंत्रों की जांच करवाएं। अपने आसपास लगे अग्निशमक की तारीख जांच लें। अग्निशमक यंत्र का प्रयोग कब और कैसे करना है, इस बारे में अवश्य जानें। अगर आपके कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, जमीन पर लेट जाएं और उलट पलट रोल करें। भारी धुआं और जहरीली गैस सबसे पहले छत की तरफ इकट्ठा होती है, इसलिए अगर धुआं हो तो जमीन पर झुक कर बैठे। आग लगने के समय अगर इमरजेंसी दरवाजा है तो नीचे की ओर भागे। तो आज इसी पर हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ वैभव सिंह है जो की कोचिंग संचालक है, बहुत स्वागत है वैभव जी आपका। साथ हिना माथुर जो की सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत स्वागत है हिना जी आपका। सबसे पहले हिना जी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह सूरत में आग का जो मामला सामने आया उसमें 20 से 22 बच्चों की जान जा चुकी है और कई अभी भी घायल हैं और परेशान हाल में, क्या मानना है? इस तरह के कोचिंग सेंटर्स जहां बच्चों के भविष्य को लेकर जो अभिभावक हैं वो चिंतित होते हैं और भेजते हैं कि कुछ भविष्य उनका बनकर बाहर निकलेगा, तो ऐसे में ये जगह जो इस तरह बच्चों की जान चली गई जिन संस्थानों में रहते हुए, क्या लगता है आपको इस तरह की चीजें अभिभावक कहाँ समझे कि सुरक्षित है उनके बच्चे या उनका परिवार? देखिए, एक तो जिस तरह से आजकल कंपटीशन हो गया, शुरुआत वहाँ से ही होती है कि कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि क्योंकि और पेरेंट्स के पास टाइम कम है और हर इंसान अवेयर नहीं है, तो बच्चों को गाइडेंस के लिए कोचिंग क्लासेस में भेजना एक फैशन भी है और एक ज़रूरत भी है। तो भेजना तो पड़ता ही है, बट ये क्या है कि मोस्टली आप कोचिंग क्लासेस को देखिए तो कहाँ लगते हैं, तो छत पे शेड डाल देंगे, वहाँ पे कोचिंग क्लास लग रहे हैं, बेसमेंट में एक हॉल है वहाँ पे कोचिंग क्लासेस लग रहे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे जो रास्ते हैं वो एक ही है रास्ता निकलने का, कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो बंदा कहीं और से निकल ही नहीं सकता। वैसे भी ऐसे टाइम पे किसी भी इमरजेंसी में आप लिफ्ट वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते, तो कोई सेकेंड रास्ता है ही नहीं। बट मुझे लगता है कि क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं उनके पास भी कोई ऑप्शंस नहीं थे, और शायद इस तरह का कोई हादसा होता है तो ही सारे लोग जागरूक होते हैं। जैसे कि बीच में जब बच्चों के स्कूल भेजते हैं तो वैन्स को लेकर जब इश्यूज क्रिएट हुए थे तो लोग जागे थे कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, अदरवाइज शायद
हम लोग जो है और हमारे स्पेशली हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि हम लोग इन चीज़ों को जो छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको ध्यान नहीं देते। जैसे सेफ्टी मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन पेरेंट्स का ध्यान ही नहीं है, उन्हें ये है कि हमें ये वाली कोचिंग बेस्ट कोचिंग है वहाँ भेजना है, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, हमारा सीटू सिंबल भी है कि बच्चा हमारा बेस्ट कोचिंग में जा रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई पेरेंट वहाँ पे जाकर ये पता ही नहीं करता होगा कि हमारा बच्चा जब यहाँ पढ़ने आएगा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे यहाँ रहेगा तो वो कितना सेफ है। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि आप जागरूक होइए, आप जहाँ अपने बच्चे को भेज रहे हैं जिसका फ्यूचर बनाने के लिए भेजें, लेकिन वो प्रेजेंट में वहाँ सेफ है कि नहीं है ये जानना। और बहुत सारी चीज़ों को, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, स्मोक डिटेक्टर है कि नहीं, आउटलेट्स कितने हैं, बच्चों का हाइजीन मेंटेन है कि नहीं, उन्हें प्रॉपर जगह है कि नहीं, पानी है कि नहीं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल इग्नोर ही की जाती हैं। एंड दैट्स नीड्स टू बी टेकन केयर बाय पेरेंट्स ओनली, उन्हीं को पहले ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। जी वैभव जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप कोचिंग संचालक हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स की अगर बात करें, कुकुर मुक्ता जैसे फैल चुका है प्रदेश की अगर बात करें तो जगह जगह हर दूसरे चौराहे पर अगर देखा जाए तो कोचिंग सेंटर्स मिल जाते हैं। मोटी मोटी रकम ली जाती है अभिभावकों से, बच्चों के भविष्य के नाम पर बहुत सारे पैसे वसूले जाते हैं। और सुरक्षा की अगर बात करें, जिस तरह का हादसा अभी सूरत में हुआ, तो चौथे मंजिले पर क्लासेस लगी हुई हैं और किसी तरह का कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि आग अगर लग जाती है तो बच्चे को बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। ये तो बड़े शहर की बात है, बड़े कोचिंग की बात है, छोटे छोटे कोचिंग में दूसरे तीसरे मंजिले पर ज़्यादातर एक कमरों में लगा दी जाते हैं क्लासेस, और वहाँ पर भी सीढ़ियों के जरिए रास्ता होता, बहुत पतली पतली सीढ़ियाँ अक्सर देखा जाता है, बहुत पतली सीढ़ियाँ होती हैं, लिफ्ट के नाम पर लिफ्ट भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं होती। तो इस तरह की जो अनुमति मिल जाती है वो कैसे मिल जाती है, और इस पर क्या लगता है आपको, कभी किसी अभिभावक का भी ध्यान जाता है किस तरह की चीजें, और संचालकों की अगर बात करें तो उनका क्या इस पर ध्यान जाता है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर इस तरह के कोई सुरक्षात्मक इंतजाम होने चाहिए इस तरह के कोचिंग सेंटर्स में? कोचिंग्स तो बहुत सारी खुल गई हैं, और अपना जो मानना है कि जितनी बड़ी कोचिंग होगी उतना ज़्यादा उसमें हमारे लिए मतलब सुविधा होंगी बच्चों के लिए, लेकिन क्या होता है जितनी ज़्यादा बड़ी कोचिंग होती है उसमें उतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, और आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ बच्चों को भरने में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले लगे रहते हैं। मतलब जितनी बड़ी कोचिंग है उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासरूम्स बनाए जाते हैं, उतने ज़्यादा बच्चों को बैठाने की व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन कॉरिडोर्स बनाना, प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर होना, ये सब इस पे कोई भी ध्यान नहीं देता है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि गवर्नमेंट की भी बात करें तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं लेकिन उस पे चेक नहीं रखा जा रहा है, जैसे कि हर इंस्टीट्यूट में कैमरा होना बहुत ज़रूरी है, सीसीटीवी कैमरा होना हर जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा कॉरिडोर्स प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी बड़ी कोचिंग होगी जितना ज़्यादा बच्चा होगा, क्लासेस के साथ बच्चों के बैठने की व्यवस्था के साथ साथ उनके आने जाने की व्यवस्था भी बनानी चाहिए, और साथ ही साथ आजकल हमारी जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारे लॉज रखे गए हैं, बल्कि ये तक बोला गया है कि जो हमारी कोचिंग का लास्ट बैच होता है, मतलब जो आखिरी बैच होगा, उसके छूटने का टाइम अंधेरे से पहले ख़त्म हो जाने चाहिए, वो भी कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी कोचिंगें 9-9 9:30 बजे तक क्लासेस लगती हैं, और बच्चा बेचारा 10 10:30 तक घर पहुंचता है, और जो भी बच्चा वैन या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल कर रहा है उसमें भी बोला गया है कि जो भी ट्रांसपोर्ट वैन फैसिलिटीज़ हैं उसमें जीपीएस होना ज़रूरी है, कैमरा होना भी ज़रूरी है बल्कि, लेकिन कहाँ, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं लगता है। कि सारे कोचिंग सेंटर जी या शासन प्रशासन की बात करें तो एक जी बड़े हादसे का इंतजार करते रहते हैं कि कोई हादसा हो जाए, कहीं कोई बड़ा नुकसान हो जाए, फिर वो जागे। चलिए, जी खैर ये चिंतनीय विषय है और जागने का भी विषय है, शायद अभी जाग जाए। अगर बात करें शासन प्रशासन और अभिभावक की भी बात करें, उनको भी सोच समझ कर, देख समझ कर इस तरह की जगह चुननी चाहिए जहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। मान लीजिए अगर इस तरह की चीज़ें हैं भी ही ना जी, अग्निशमक की हमने बात की, इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर देखा जाता है कि बाहर लगा दिया जाता है, पर क्या उसमें इस तरह की चीज़ें भी कभी सामने आती है कि कोई एक्सपायरी उसकी डेट होती है, या वो काम कर रहा है कि नहीं, या उसका इस्तेमाल वहाँ के कर्मचारी किस तरह कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का भी क्या कहीं किसी तरह का कोई जानकारी होती है, या किसी तरह की कोई जागरूकता है, इस तरह के कोई कार्यक्रम किए जाते हैं? देखिए, कोई जागरूकता का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जाता। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना, हमें स्कूल से बच्चों को सिखानी चाहिए।
बिकॉज वहाँ पर भी मतलब ये एजुकेशन, पेरेंट्स भी खुद ही जागरूक नहीं तो बच्चों को कहाँ गाइड करेंगे। और ये स्कूल से और जो बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं उससे, जैसे कि थोड़े आपने भी जैसे अभी एक रिपोर्ट में दिखाया कि जब ऐसा कुछ फायर होता है, धुआं निकलता है, तो गीले तौलियों से ढक दीजिए ताकि अपनी पैकिंग कर दीजिए ताकि धुआं अंदर ना आए। ये बातें पता ही नहीं है, क्योंकि अब ये सूरत में एक कांड हुआ है इतना बड़ा, और इतने बच्चे मर गए हैं और इतने बच्चे घायल हो गए हैं, उसके बाद ये टीवी पे दिखाया गया है कि ऐसे। अदरवाइज मुझे लगता है ये हमें बच्चों का जो एकेडमिक्स होता है स्कूल में, हमें उन्हें ये एक बेसिक एजुकेशन देना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कहीं पानी में फंस जाते हैं, आग में फंस जाते हैं, किसी दंगों में फंस जाते हैं, या किसी ऐसे ग्रुप में कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं आप फंस जाते हैं, या लड़कियों के लिए कि आप कहीं अनसेफ ऐसे हो जाती हैं, आप कहीं किसी चार लोगों में फंस जाती हैं, तो इन सब के सेफ्टी मेजर्स हमें, मुझे लगता है कि स्कूल से ही सिखाने चाहिए। किसी को पता ही नहीं होता है फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, उस पर एक्सपायर हो चुका है, वो एम्प्टी है, वो काम करेगा नहीं करेगा, ये किसी को पता नहीं होता है। ना पेरेंट्स ध्यान देते हैं, मान लीजिए ऑफिस की भी बात करें तो ना एम्प्लॉयज़ ध्यान देते हैं, ना कोचिंग के बच्चे ध्यान देते हैं, ना उनके पेरेंट्स को मतलब होता है, ना स्टाफ को मतलब होता है। पेरेंट्स को सिर्फ ये मतलब होता है कि हमें अपने बच्चों को बस भेज देना पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको एक कॉम्पिटिशन क्रैक करना है। कोचिंग को मतलब होता है कि हम जितनी भीड़ इकट्ठा कर सकें और हम अपनी रेवेन्यू बढ़ा सकें, उससे मतलब होता है। बाकी सेफ्टी मेजर्स पे शुरू से लेकर आखिरी तक कोई ध्यान नहीं देता है। प्रशासन की भी अगर हम बात करें तो, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया, इस तो काफ़ी लोग जाग गए हैं, और अब आप देखिए आज पेपर भी अगर आप पढ़ते हैं तो उन लोगों से भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आप क्या करें। इससे पहले किसी को ये ख्याल नहीं था, मुझे नहीं लगता कि ये सर्वे भी पहले हुआ होगा, अदरवाइज ये हादसे होते ही नहीं। जी वैभव जी, आपसे समझना चाहेंगे तो इस तरह की अभी सर्वे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी और आपसे सवाल जवाब भी समझेंगे कि किस तरह सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए इस तरह के कोचिंग सेंटर्स में। पर यहाँ पर रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए BNN सच AHN। हमारे साथ एक और मेहमान शामिल हो गए, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ भानु सक्सेना जो कि पार्षद है। भानु जी, बहुत स्वागत है आपका। भानु जी, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, सुरक्षित कहाँ है बच्चे? अगर जो सूरत में जो अग्निकांड हुआ, जिसमें जिस तरह बहुत सारे बच्चे जल गए, जल के मर गए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी जूझ रहे हैं अपनी जिंदगी और मौत के साथ, घायल हैं। सुरक्षा की बात हम कर रहे थे कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं बहुत सारे हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी की बात करें, तो जगह जगह बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खुल जाते हैं, पर उसमें सुरक्षा के कहीं कोई इंतजाम नहीं होते। नगर निगम की अगर बात करें तो वहाँ किस तरह का सर्वे, जो अनुमति दी जाती है पहले ही मिल जाती है, किस तरह की जाँच होती है, किस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं? जिस तरह के हादसे हुए उसमें कई बार ये सामने आया कि कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिनमें पतली सीढ़ियाँ होती हैं, जाने का रास्ता एक होता है जिसमें से दो तीन
बात करें दो तीन इंसान ही मुश्किल से निकल पाते हैं। इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो क्या किसी तरह का कोई नगर निगम से कोई किसी तरह की जांच होती है? और अब बात करें जिस तरह अमला जगह है, जगह जगह जांच हो रही है, सख्तियां की जा रही हैं, देखा जा रहा है कि किस तरह के इंतजाम है, तो क्या पहले भी किसी तरह के कोई इंतजाम देखे जाते हैं या अनुमति दी जाती है, उसमें पहले किसी तरह की कोई जाँच होती है? निश्चित रूप से दर्दनाक हादसा सूरत में हुआ है जिसका दिल दहलाने वाली घटना हुई है। कहीं ना कहीं जब हम ये कोचिंग संस्थानों की बात करें, शिक्षण संस्थानों की बात करें, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की जहां हम बात करें, ये तो एक शिक्षण संस्थान जहां पे कोचिंग सेंटर जहां पे दर्दनाक घटना हुआ। देश में अनेकों ऐसे संस्थान हैं जहां पे चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे स्कूल कॉलेजेस की बात करें, वहां भी बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं। मुझे लगता है कि नगर निगम एक महत्वपूर्ण भूमिका में होती है इस पूरी कड़ी में। कहीं ना कहीं जब बिल्डिंग परमिशनों को जब परमिशन ही दी जाती है बिल्डिंगों के लिए बनने के लिए, चाहे उनमें जो संचालित होने वाली जो भी संस्थान उसमें काम करें, निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी इस पूरे के पूरे प्रकरण में नगर निगम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज जब सूरत में एक बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद पूरे देश में एक जागरूकता अवेयरनेस आई। सारे स्टेट्स की बात करें अपन, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए और ऐसे शिक्षण संस्थानों में, कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं के मजबूती से जांच कराने के लिए एक आदेश दिशा निर्देश दिए हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम को चाहिए कि जहां जहां पर भी ऐसे शिक्षण संस्थाएं चल रहे हैं, चाहे स्कूल्स की बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें, चाहे कोचिंग सेंटरों की बात करें, ये कोचिंग सेंटर पूरे अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। भोपाल शहर की भी मैं बात करूं तो बिल्डिंगों तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे इन्होंने सेट डाल के, जहां पे सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, पूरे बिना अनुमति के चल रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई है। निश्चित रूप से नगर निगम को बड़ी ताकत के साथ, डंडे के साथ, सख्ती क्यों नहीं बरती जाती नगर निगम की तरफ से, कोई सख्ती क्यों नहीं बरती जाती? निश्चित रूप से नगर निगम के अधिकारियों की बहुत लापरवाही है इसमें, चाहे हम किसी भी जनप्रतिनिधियों की बात कर ले, उनकी भी लापरवाही है, क्योंकि दर्दनाक हादसा हुआ है, इसका जिम्मेदार हम भी बराबर है कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुखर नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जहां भी ऐसी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्था देखें, उन पर तत्काल गंभीरता से उस स्तरीय जांच करा के उसमें पूरे सुरक्षा की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसी के बाद उनको अनुमति देनी चाहिए। अगर जो बिना अनुमति के संचालित किए जा रहे हैं, उन पर दंडात्मक कार्रवाई करके उन पर बड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी वैभव जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह जिस तरह अभिभावक पहुंचते हैं और उनसे पैसे की हमने बात की कि अच्छी मोटी रकम वसूली जाती है, सुरक्षा के इंतजाम की भी हमने बात की कि उसमें किसी तरह का कोई सुरक्षात्मक कोई कवच नहीं होता बच्चों के लिए। अब जैसा कि अब घटना घट चुकी है, कुछ शासन प्रशासन की बात करें थोड़ा जाग गए हैं और शायद कुछ समय तक जागे भी रहें, क्या लगता है आपको कोचिंग सेंटर कहीं ना कहीं इसको लेकर सतर्क होगा और अपनी वो कमियां, वो खामियां जो अभी तक उन्होंने आसानी से और मनमाने ढंग से की हुई थी उस पर कहीं ना कहीं वो एक बार सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जान गई है? बिल्कुल सोचेंगे और सोचना चाहिए। मतलब किसी दुर्घटना का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कोचिंग सेंटर्स को ये सारी सुविधाएं देने के लिए। और जैसे कि मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं, वो चीज़ें हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में होना चाहिए और उसको अनिवार्य कर देना चाहिए। और जैसे सर ने बताया हमें कि बिल्डिंग बनते टाइम नगर निगम अधिकारियों को ये सारे कुछ नॉर्म्स निकालने चाहिए जिसके जो मतलब हर बिल्डिंग में नेसेसरी हो, फिर भले ही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या उस जगह पे कोई भी और सेंटर खुले। मतलब सिर्फ बच्चों की सुविधा ही नहीं इम्पोर्टेंट है, हम हर एक जन की, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इस तरह की चीजों पर नजर रखना चाहिए। कुछ ऐड करना चाहूंगी एक्चुअली, अभी जो क्योंकि एक ऐसा एक हादसा हो चुका है तो इसलिए सारे लोग जो है जाग गए अचानक से। अभी ये कुछ टाइम तक ये जरूर इसका प्रोसेस चलेगा कि सारे चेक्स किए जाएंगे, सिक्योरिटी चेक्स हैं कि नहीं है, लेकिन ये कितने दिनों तक वैलिड रहेगा ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कितने दिनों बाद वापस से सब लोग नींद में चले जाएंगे। सबसे जरूरी जो है वो परिवार और अभिभावकों की बात करें तो उनको जागना होगा। हम चाहेंगे कि किस तरह से वो जागरूक रहे ताकि आगे भी इस तरह की कोई घटना सामने ना आ सके। बिल्कुल, मैं चाहूंगी किस तरह की जागरूकता आए अभिभावकों में, आपसे समझना चाहूंगी। देखिए सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि जैसे कि हम लोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी अपने डिस्कशन में कहा था कि जब वो वैन वाली बात चली थी, एक हादसा हो गया था, वैन में आग लगी थी, बच्चे जल रहे थे, उस टाइम पे पेरेंट्स भी जाग गए थे और उस टाइम पे सारे लोग जाग गए थे और काफी सिक्योरिटी चेक्स हुए थे, प्रशासन भी जाग गया था, बहुत सारे उसके ऊपर आपको बता दिए गए थे कि ये नॉर्म्स हैं, ये फॉलो होने चाहिए, वो फॉलो होने चाहिए, लेकिन आज के डेट में पूछिए तो वही के वही हो चुका है। वैसे के वैसे ही बच्चे जो हैं वो गैस वाली उसमें भर के जा रहे हैं, किसी पेरेंट को कोई मतलब नहीं है, सारे लोग वापस उसी अपने मोड में जा चुके हैं जिसमें वो पहले थे। अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं, ये पेरेंट्स कितने दिन जागेंगे, जितने दिन तक ये हादसा याद रहेगा उतने दिन तक जागेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जब हम
आप एक किसी भी मदर या फादर के बच्चे को आप सिर्फ छोटा सा कुछ टोक दीजिए तो आपसे बाजार में झगड़ा करने खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप रॉन्ग साइड ड्राइव करके जाते हैं या इस तरह से आप बच्चों को भेजते हैं, अपने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी करके आपने तैयार करके बच्चों को भेज दिया, उसके बाद आपकी वो पेरेंट्स वाली जिम्मेदारी कहाँ चली जाती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो पेरेंट्स को सबसे पहले जागना पड़ेगा और उन्हें समझना पड़ेगा कि हर जगह जहाँ आप भेजते हैं वहाँ पे बच्चों का सिक्योरिटी मेजर्स उतने इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो हाइजीन की बात करें, चाहे वो इस तरह की चीज़ों की बात करें। दो डोर होनी चाहिए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तो वैसे भी दो डोर होने चाहिए, फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अलाउ कैसे कर रहा है कोचिंग, अगर वो इलीगल है तो लोग क्यों नहीं जाग रहे हैं, पेरेंट्स क्यों नहीं पता कर रहे हैं कि इलीगल है कि नहीं है, और ये बेसिक नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को, हमारे फ्यूचर को वहाँ बेचते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत मुझे लगता है कि बच्चों और उनके पेरेंट्स से करनी होगी, उसके बाद कुछ चेंज आ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भानु जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें अगर अनदेखी की जाएंगी तो किस तरह का कदम सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्या मानना है आपका? देखिए, नगर लोकल बॉडीज़ को बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना पड़ेगा। नगर निगम की, चूंकि भोपाल राजधानी है, यहाँ पर नगर निगम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, निश्चित रूप से नगर निगम को बहुत सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ पर पहले से ही ये डिसाइड कर लिया गया कि इस बिल्डिंग को 3 मंजिले की अनुमति दी गई, 3 मंजिले के बाद अगर किसी भी प्रकार की कोई भी वहाँ पर गतिविधि चलती है, शिक्षण संस्थान चलती है, कोई भी गतिविधि चलती है, तो नगर निगम को सख्ती से कार्रवाई करके उस पूरे प्रकरण को, मामले को ध्वस्त करना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार के हादसे देखने को बार बार मिलते रहे। एक तरह का व्यवसाय बना लिया है शिक्षण संस्थानों की, अगर बात करें कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा तादाद में खोल लिए गए हैं, जैसा कि आपने कहा कि किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई है, बिना अनुमति के धड़ल्ले से चलाई जा रही है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं कोई सख्त कदम उठाना चाहिए सरकार को, और जो इस तरह के गैर जरूरी कोचिंग सेंटर्स हैं उनको पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। निश्चित रूप से मैं बड़ी राय भी, और आगे भी इस तरह की जागरूकता सभी में, बात करें शासन प्रशासन जनता समाज सब में आनी चाहिए, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो गैर जरूरी गैर कानूनी चीज़ें हैं, उस पर सख्ती होना चाहिए। चलिए, आप तीनों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला डीएनएन पर लगातार जारी है, आप बने रहें डीएनएन के साथ।